In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial, Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on computer science online. Dear students, ummeed karta hoon ki aap sab khairiyat se honge. Dua hai ki Allah taala aapke aur mere ilm mein izafa farmaye. Dear students, today our topic of discussion is what is network model. Aaj ke is lecture mein hum network model ko discuss karenge. Dear students, previous lecture mein humne डिफ़ाइन किया था कि डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं और उसकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से हमने एक टाइप को डिस्कस किया था, हायरार्किकल मॉडल को. तो आज के इस लेक्चर में हम डेटाबेस मॉडल की जो सेकंड टाइप है, नेटवर्क मॉडल, आज उसको देखेंगे कि वो क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल में जाने से पहले हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि डेटाबेस मॉडल किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस मॉडल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हो द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल. तो डियर स्टूडेंट, डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं? डेटाबेस मॉडल सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को कहते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा. इसे हम डेटाबेस मॉडल कहेंगे. इसकी जो सेकेंड टाइप है वो है नेटवर्क मॉडल. हमने प्रीवियस लेक्चर में हायरार्किकल मॉडल को डिस्कस कर लिया था. अब हम नेटवर्क मॉडल को डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है. डियर स्टूडेंट, जो नेटवर्क मॉडल है ये भी हायरार्किकल मॉडल ही की तरह का होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. आज हमने जस्ट उसको देखना, तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी. ये स्टूडेंट, जो नेटवर्क मॉडल है इज अ सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल. ये हायरार्किकल मॉडल ही की तरह होता है. द डिफरेंस इज दैट, क्या डिफरेंस है इसमें? चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड. यानी चाइल्ड नोड जो होती है उसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकती हैं. ये इसमें डिफरेंस है. डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हायरार्किकल मॉडल को डिस्कस किया था तो हमने इस चीज़ को स्टडी किया था कि जो चाइल्ड नोड होती है उसका जस्ट वन पेरेंट होता है, वो एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं रख सकती. लेकिन पेरेंट नोड जो होती है उसके एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं. लेकिन नेटवर्क मॉडल में क्या है, यही डिफरेंस है कि चाइल्ड नोड जो है उसके मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं. डियर स्टूडेंट, ये बेसिक डिफरेंस है नेटवर्क मॉडल का. चाइल्ड नोड रिप्रेजेंट बाय एरोज. सेकंड डिफरेंस इज दैट, इसमें आपने क्या करना है, इसमें एरोज को यूज करना है. लाइक देखें, ये एक पेरेंट नोड है, इसके दो चाइल्ड है. इसी तरह ये एक चाइल्ड है, इसके दो पेरेंट्स हैं. इसी को हमने नेटवर्क मॉडल में डिफाइन किया कि नेटवर्क मॉडल में क्या हो सकता है कि एक चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट्स हो सकते हैं. लेकिन हायरार्किकल मॉडल में ऐसा नहीं था. और डियर स्टूडेंट, सेकंड डिफरेंस इज दैट, इसमें आपने एरोज यूज करने हैं. चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करने हैं? एरोज का यूज करना है. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी. इट रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डेटाबेस. डियर स्टूडेंट, इसकी जो डायग्राम होती है नेटवर्क मॉडल की, वो आप देख सकते हैं, ये कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल. अदर पॉइंट इज दैट इट आल्सो प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हायरार्किकल मॉडल. लेकिन डियर स्टूडेंट, जो हायरार्किकल मॉडल की निस्बत जो नेटवर्क मॉडल है ये फ्लेक्सिबल है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये है नेटवर्क मॉडल जिसको हमने डिफाइन किया. इसके बाद हम ग्राफिकली डायग्राम की मदद से देखते हैं कि नेटवर्क मॉडल को हमने कैसे डिज़ाइन करना है. देखिए, ये सबसे पहले एंटिटी वन है, ये पेरेंट नोड है. इसी तरह ये पेरेंट नोड है एंटिटी टू. एंटिटी वन के दो चाइल्ड हैं एंटिटी थ्री एंड एंटिटी फोर. इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो एंटिटी थ्री है इसका एक पेरेंट है, लेकिन एंटिटी फोर के दो पेरेंट्स हैं, यानी एंटिटी वन और एंटिटी टू. इसी को हमने डिफाइन किया था कि नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं. इसी तरह एंटिटी फाइव के भी दो पेरेंट नोड है और एंटिटी सिक्स के एक पेरेंट नोड है. तो डियर स्टूडेंट, ये होता है नेटवर्क मॉडल. आई थिंक आप इजीली ग्राफिकली इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डेटाबेस मॉडल की जो सेकेंड टाइप है नेटवर्क मॉडल उसको एक्सप्लेन किया, उसको डिस्कस किया. आई थिंक आपके माइंड में अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी. अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इसकी थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.